एक साहिब आपका हालत नजरदारी है, आला हजरत अलैहि रहमत ने इसको अपने फतावर स्पेशली में लिखा है, इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत ने तफसीर सूरतुल अहकाफ के वो वसाइन अल इंसान बि वालिदैन के तहत इस वाक्य को लिखा है। फरमान इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत आखिरी वक्त में इंशाल्लाह हुजूर दुआ करते हैं। फरमान इमाम फखरुद्दीन राजी नबी कौन है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जमानत में एक इंसान इसके हालत नजरदारी हालत नजर को हर एक को तारी होनी थी, लेकिन सहाबा इकराम ने इस कलम में तलकीन करन कलमे हदन पढ़े कि हालत नजर टाइम जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पाने और वो सहाबा क्या मामलो छो फरमो या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एहसास कलमे तलकीन करन मगर इहास बढ़ नहीं कायनत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमो तहस कलमे पढ़ा कलमे मगर इस इंसान जो ओड फौरन कीन कलमे फरमो क्या योस्ता नमाज पढ़ा क्या योस्ता रोज रोज रोजन फरमा या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी कायमों से सिद्ध करा रोज रोज त्योस रोजन नमाज त्योस पढ़न ज़कात त्योस देवन एवरी थिंग करता था ये हर एक अहकाम शरीफ को बजा लाता था मगर इमेज क्या को ये मामला पे रही थे फरमा इसकी मां जिंदा है फरमा हां या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये सारा जो मोय जिंदा है उसको बुलाया जाए फरमा वो बहुत कमजोर थी नबी कौन है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद उनके पास तशरीफ ले गए फरमा माई अपने बेटे को माफ कर दे तुशिया नेटो ने केश का नाराज तुम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज कसम खुदा की बकरस माफ की अगर जी नमाज चुकला ईमान उन सारे के चीज कर बकर बदिमस ने मैं भी किए एक खाबून कैजियस ने मैं भी या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप जो देख रहे ना कि मैं चकोच आंख एक आंख से मैं अंधी हूं इसी नौजवान ने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा था जिसकी वजह से मेरी आंख निकल गई थी बदिमस ने मैं भी किए गलती तो बहुत बड़ी थी लेकिन सब मुतसा रहमत लिल आलमीन समझावन बोल नबी वसल्लम पहुंच गए तभी वो तगन समझावन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोए के मौज सीरियस में नहीं पीके तो नाना बदिमस में नहीं पीके नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमो लाओ लकड़ियां लकड़ियों को जमा कर दो या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लकड़ियां क्या करूं अब क्या जिनिस क्या करूं फरमाया इसको हम यही दुनिया में जला देंगे फरमाया या रसूल सल्लल्लाहु मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूं इसको दुनिया में जला दे फरमाया माई जब तू दुनिया में जलना पसंद नहीं करती तो आखिरत में जलना कैसे पसंद करेंगी फरमाया या रसूल सल्लल्लाहु अफौतु मैंने माफ कर दिया मैंने माफ कर दिया या मैं माजून मैंने माफ कर दिया उधर साहिब के जबान से कलमा निकल गया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह वो कि मेरे सुनने को कुछ बेसिक को अपने मां-बाप को प्रमोट मत करो इनको इज्जत दे दो इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी बेद भी करोगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ वही मकाम करेंगे वही काम करेंगे।